दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने किसी की स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वैदिक मैथ्स के अंदर एक टॉपिक आता है सूत्र एक न्यूनन पूर्वज द्वारा उसको घटाना। तो घटाने वाले क्वेश्चन है वो नॉर्मली हम घटा ही देते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैदिक मैथ्स में उस क्वेश्चन को किस तरीके से घटाया जाता है वो क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं। देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, एक कैरी लेते हैं हम लोग, ये 10 बन जाता है, 10 में से 4 गया तो हमें कितना मिलता है 6, यह कितना हो गया 5, फिर कैरी लेने की जरूरत पड़ता है 15, वो 15 में से 7 को जब हम माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलता है 8 मिलता है, फिर यह कितना बचा है 4 बच जाता है, राइट 4 में से 3 गया कितना मिला हमें 1 मिला। अब ये तो हुआ नॉर्मल मेथड, लेकिन इस वैदिक मैथ्स के द्वारा हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कैरी कहाँ लेना है, यहाँ बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है, राइट यहाँ से इसको एक कैरी की जरूरत पड़ी तो इसको यहाँ जरूरत पड़ी तो यहाँ पर क्या हुआ एक वैल्यू कम हो गई, तो एक वैल्यू कम हो गई तो इसके नीचे क्या रहता है डॉट रहता है, राइट फिर इसको यहाँ से कैरी की जरूरत पड़ी क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है भी छोटी है तो क्या कर रहे हैं, तो इसको एक जरूरत पड़ी तो यहाँ पर क्या जाएगा डॉट, क्योंकि यहां से भी एक वैल्यू गई आया था, जब हम ऊपर डॉट लगा देते हैं एडिशन वाले में इसका मतलब है कि ऐड हो रहा था, अब यदि डॉट नीचे लगा रहे हैं इसका मतलब है यहाँ पे 5 में से 1 कम हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, यदि इसके ऊपर डॉट लगा हुआ इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है तो देखते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये वैल्यू बड़ी है ये वैल्यू छोटी है, राइट इसको एक कैरी की जरूरत पड़ेगी तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या हो गया एक वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ पर कितना हो गया 16, 16 में से 9 को माइनस कर दो कितना जाएगा 7, यहाँ पर कितना है 13, 1 कैरी लिया कितना हो गया सॉरी यहाँ पर कितना है 4 है मतलब 3 है, 1 कैरी लिया कितना हो गया यहाँ 13 बन जाएगा, अब 13 में से 8 को जब माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना बच गया यहाँ से इसने एक कैरी लिया यहाँ पे क्या हो गया कम हो गया, कम हो गया तो इसका मतलब कितना है 6 लिखा हुआ है तो 6 में से 3 गया कितना मिला हमें 3 मिला, राइट देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये वैल्यू बड़ा है ये वैल्यू छोटा है एक कैरी की जरूरत पड़ेगी इसको, एक कैरी जब लेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो आपके पास कितना बचेगा 9, अब 3 नीचे डॉट है इसका मतलब कितना 2, फिर इसको कैरी की जरूरत पड़ी यहाँ पर गई नहीं तो ये कहाँ से लेगा यहाँ से लेगा, यहाँ से जब कैरी लेगा तो ये बन गया कितना 12, 4 में से 4 गया कितना बचा 8, यहाँ कितना 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से कैरी ले चुका है तो यहाँ पे काम है वैल्यू तो अभी कितना है 3, 3 में से 3 गया कितना आएगा 0, तो इस तरीके से हमको कैरी लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बहुत इजी है क्वेश्चन। तो दोस्तों ये तो था हमारे सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन, एडिशन वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय।